हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। और मैं हूँ मुस्कान। आज मैं आप सब लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। यस, आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हेयर्स की। सो यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन उसे हिट कर दें ताकि आगे आने वाले अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो आप लोगों को मेक श्योर पसंद आने वाली है तो इसको पहले ही लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं पहले ही आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, वो भी बहुत छोटा था, कि दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल हेयर कलर और एनीथिंग, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल। सो या दिस इज़ माई एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी वो कर सकते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्ट। या गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को हेयर कलर कौन सा यूज करना है जिससे आप अपना ये ग्रीन कलर, एम्बर ग्रीन कलर अचीव कर सकते हैं। तो उसकी पिक्चर यहाँ प्रस्तुत करती हूँ मैं। सो या आप इस हेयर कलर को बाय कर सकते हैं जो मैंने बाय करा था अमेजोन से। इस हेयर कलर का नाम है क्रेजी कलर्स। सो या ये क्रेजी कलर करके आपको अमेजोन पे इजिली अवेलेबल होते हैं। इनके अलग अलग सेलर एंड अलग अलग प्राइजेस हैं। जो भी आपको लीस्ट अमाउंट लगे आप वो अमाउंट का अपना क्रेजी कलर मंगा सकते हैं। सो या नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको करना कैसे है इस हेयर कलर को। कलर आपको पता चल गया है कौन सा लेना है, लेकिन इसे करना कैसे है वो अभी जानना बाकी है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए आपको करना है अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से वॉश। और आपको मैं साथ ही साथ बता दूं कि ये आपका जो ग्रीन कलर है वो आपके ब्लैक हेयर पर नहीं चढ़ेगा, बिकॉज आप लोगों को करना होगा हेयर ब्लॉन्ड। हेयर ब्लॉन्ड के लिए मैं आप लोगों को यहाँ एक ब्लॉन्डर का पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। आपको ये ब्लॉन्डर अपने हेयर्स पे लगाना है। इस ब्लॉन्डर के लिए आपको यूज़ करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 30 और 40 का वॉल्यूम, जिससे आपके हेयर कम्प्लीटली ब्लॉन्ड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यस, आप लोगों को इस तरीके से अपने हेयर्स को ब्लॉन्ड करना है। आफ्टर ब्लॉन्डिंग के बाद आपको अपने हेयर्स को कर लेना है अच्छे से कंडीशन एंड वॉश। अच्छे से कंडीशन एंड वॉश करने के बाद जब वो कलर जो आपके हेयर है वो ड्राई हो जाएंगे, आफ्टर दैट आपको अप्लाई करना है क्रेजी कलर। उसको आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है सबसे पहले उस कलर को आपको एक कांच की बाउल में उसको लेना है, एंड जो हमारे हेयर डाई वाला ब्रश होता है उसको लेना है। अच्छे से उस कलर को पहले मिक्स करना है। उसके अंदर हमें कोई वॉल्यूम एंड कोई भी एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आपको अपने हेयर्स पे कलर करना है। कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर कलर को अप्लाई करना है, एंड 45 to 1 hour के लिए आपको अपने हेयर्स को छोड़ देना है। आफ्टर दैट जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा या कुछ इस तरीके का होगा। मैंने अपने हेयर्स में 2 बार ये वाले हेयर कलर को अप्लाई करा है, बिकॉज ये हेयर जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी होता है। मैंने इस कलर को 2 बार अपने हेयर्स पे अप्लाई करा है। फर्स्ट कलर मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई करा था जनवरी में। यस, आफ्टर दैट ये कलर मेरा फैब एंड तक कम होने लगा था, तो मैंने इसको रिफिल करा एंड अगेन उस क्रेजी कलर को अप्लाई करा, एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब ये कलर भी मेरा बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है, बट आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स एंड मेरी वीडियोस में देखा होगा तो ये कलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और अभी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। सो या अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हो, तो मेक श्योर मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप लोग इसे ट्राई करते हो तो मुझे इसके कमेंट ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर कलर करके, आप पे हुआ है नहीं या कैसा हुआ ज़रूर। और मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना अगर आप इस हेयर कलर को अप्लाई करते हो। सो या मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को पिक्चर शेयर करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये जो नीचे नाम आ रहा है स्टाइल विद मी 27 टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यस, एंड टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक, आई एम ऑल्सो ऑन टिकटॉक। यस, और अगर आप लोगों को टिकटॉक से रिलेटेड कुछ वीडियो आइडियाज या कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए हो तो मैं दे सकती हूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो या और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना। और या मिलती हूँ मैं आपसे अपनी किसी अलग एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।